हेलो गाइस, मेरा नाम है रयान। आज की वीडियो में एक बहुत ही ज्यादा स्पेशल कार मैं खरीद के लेके आ चुका हूँ। इसका नाम है हरिकेन ड्रिफ्ट कार। ऑलमोस्ट ये आर्मा फेलोनी जैसी दिखाई दे रही है, पर ये आर्मा फेलोनी से बहुत ज्यादा सस्ती आरसी कार है। आज इसको एकदम खतरनाक तरीके से मैं ड्रिफ्ट करा के आपको बताने वाला हूँ। देखते हैं कितनी अच्छी तरीके से ड्रिफ्ट करती है। तो मैंने सिर्फ 5000 रुपीज में खरीदा है बैंगलोर से। लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है, वहां से जाकर आप चाहे तो ये हरिकेन ड्रिफ्ट कार को खरीद सकते हो। आज इसके साथ फाइट कराने के लिए मेरे पास बहुत सारी ड्रिफ्ट आरसी कार्स है, जैसे कि ये है कस्टम क्लासिक ड्रिफ्ट कार, इसको बोलते हैं ड्रैगन ड्रिफ्ट कार। देखोगे जिसका लुक काफी ज्यादा यूनिक है। ये एक MPV ड्रिफ्ट कार है, इसका साइज बहुत ज्यादा बड़ा होता है। और ये है सबसे ज्यादा सस्ती ड्रिफ्ट कार, इसका प्राइस सिर्फ 500 रुपीज है। इसको भी आज अनबॉक्स करके ड्रिफ्ट के मैं बताने वाला हूं। ये मेरी सबसे ज्यादा यूनिक ड्रिफ्ट कार है, आज इसकी भी फाइट कराएंगे अपनी हरिकेन ड्रिफ्ट कार के साथ। ओके, तो चलो गाइस फटाफट से पहले मैं इसको अनबॉक्स करने वाला हूं। तो फटाफट से इसके पहले मैं आपको फीचर्स दिखा देता हूँ। कंप्लीटली RTR कार है, 4x4 है, शॉक एल्यूमिनियम वाले इसके अंदर दिए गए, रडर मशीन है, फुल फंक्शन RC कार आप इसे बोल सकते हो। देखते हैं इसके अंदर ऐसी क्या खास चीज है जो कि ये कंप्लीटली एक फेलोनी कार जैसी दिखाई दे रही है, और मेरे को तो ये बहुत ज्यादा सस्ते प्राइस में मिली है। गाइस बॉक्स को मैंने यहाँ पे ओपन कर लिया है। अगर आपने अभी तक इस वीडियो पर लाइक नहीं किया तो जरूर से लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो गाइस जरूर से सब्सक्राइब भी कर देना। सबसे पहले मैं आपको कार निकाल के बता देता हूँ। यहाँ से आ चुकी है हमारी कार बार, कंप्लीटली गाइस आर्मा फेलोनी ब्लैक बीच जैसी दिखाई दे रही है, पर इसका कलर ब्लैक नहीं है, ब्लू है। इस वजह से देखो कार काफी ज्यादा यूनिक दिखाई दे रही है। इसका सबसे ज्यादा मेन फीचर है इसके हेडलाइट्स। इसके हेडलाइट्स इतने ज्यादा कमाल के गाइस, अगर आप इसको एक बार ऑन होने के बाद देख लो ना, आपके होश उड़ने वाले। पीछे की तरफ टेल लाइट्स वगैरह भी दी गई है, आर्मा फेलोनी जैसा एक स्पॉइलर भी देखने को मिलता है। ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी की बात करूं तो काफी ज्यादा यूनिक मेरे को ये कार लग रही है। यहां पे देखो आर्मा फेलोनी से भी अच्छा इसका बंपर दिया गया है, कंप्लीटली क्रोम फिनिश में। यहां ऊपर की तरफ इंजन वाला डिजाइन भी इसके अंदर देखने को मिलता है, इस तरीके के व्हील्स मिलते हैं। एक चीज ये कार कर सकती है जो कि आर्मा फेलोनी भी नहीं कर सकती है, वो है इसका ड्रिफ्टिंग सिस्टम। आर्मा फेलोनी को मैंने बहुत बार ड्रिफ्ट कराने की कोशिश की है, पर वो प्रॉपर तरीके से ड्रिफ्ट नहीं कर पाती है क्योंकि स्पीड बहुत ही ज्यादा है। पर इसके अंदर देखो प्लास्टिक के स्पेशल व्हील्स मिलते हैं, इस वजह से आप इसको कहीं भी ड्रिफ्ट करा लो, ये कार बहुत अच्छे तरीके से ड्रिफ्ट कर सकती है। बॉक्स के अंदर हम लोगों को और क्या क्या चीजें मिली है, यहाँ पे एक और छोटा सा बॉक्स मिला है इसके अंदर। यहाँ पे शायद इसकी बैटरी और रिमोट होना चाहिए, मेरे को ऐसा लग रहा है। हाँ गाइस देख सकते हो यहाँ पे इसका रिमोट दिया गया है, रिमोट बहुत ही ज्यादा अलग डिजाइन वाला मेरे को लग रहा है। 2.4 GHz का रिमोट है, ये इसकी स्टीयरिंग है। इसके अंदर यहाँ पे एक स्विच देखने को मिलता है, यहाँ से आप इसको हाई स्पीड में चला सकते हो या फिर मीडियम स्पीड में चला सकते हो या फिर लो स्पीड में भी चला सकते हो। यहाँ पे चैनल 3 का स्विच है, इसको प्रेस करेंगे तो हेडलाइट्स के अंदर काफी ज्यादा यूनिक तरीके के डिजाइन भी आने लगते हैं। तो एक बार बॉक्स के अंदर देख लेते हैं यार इसका बैटरी कहाँ पे है। अच्छा यहाँ नीचे छिपी हुई है ये सारी चीजें, मैंने तो देखा ही नहीं यार। यहाँ पे इसकी 7.4 वोल्ट की बैटरी है, बैटरी का साइज काफी ज्यादा बड़ा है, और इस तरीके के व्हील्स भी दिए गए। देखते हैं प्लास्टिक के हैं या फिर रबर के हैं। हाँ देख सकते हो, अगर आप कार को इंडोर में चलाओगे ना तो आपको ये व्हील्स रखने चाहिए क्योंकि ये व्हील्स रखने पर ये बहुत अच्छे तरीके से ड्रिफ्ट कर सकती है। आप ऑफ रोड में इसको रेसिंग के लिए यूज करोगे तो ये व्हील्स आपको लगाने चाहिए क्योंकि इसके ऊपर ग्रिप काफी अच्छी वाली दी गई है। दोस्तों अब मैं अनबॉक्स करने वाला हूँ कस्टम क्लासिक ड्रिफ्ट कार को। ये डिजाइन बहुत ही ज्यादा अलग है, पुराने जमाने वाली कार जैसी ये दिखाई दे रही है, पर गाइस इसके लुक्स पे आप बिल्कुल भी मत जाना। एक्चुअल में ये भी एक ड्रिफ्ट कार है और ये बहुत ही यूनिक और बहुत ही मस्त तरीके से ड्रिफ्ट कर सकती है। पीछे टेल लाइट दी गई है, इसके अंदर भी प्लास्टिक के व्हील्स मिलते हैं और रबर के व्हील्स मिल सकते हैं। अब दोस्तों ये मेरी सबसे ज्यादा फेवरेट ड्रिफ्ट कार है, इसका साइज काफी ज्यादा बड़ा होता है, इस वजह से इसको मैं MPV ड्रिफ्ट कार बोल के बुलाता हूँ। यहाँ पे इसके मेन फीचर्स आप देख सकते हो, ये भी कम्प्लीटली 4-व्हील ड्राइव है। यहां से मैं इसको निकाल लेता हूँ, ये देख लो गाइस, दिखने में एक ओमनी वैन जैसी ये दिखाई देती है, पर इसका जो लुक है थोड़ा सा मॉडर्न है ओमनी वैन के मुकाबले में। सामने देखो यार इस तरीके का डिजाइन है, इसको भी कम्प्लीटली मॉडिफाई करके एक ड्रिफ्ट कार बनाया गया है। इसके भी ऊपर आपको एक स्पॉइलर देखने को मिलेगा, पीछे बिल्कुल सपाट इसका डिजाइन देखने को मिलता है। नीचे की तरफ ABS प्लास्टिक यूज किया गया है। इसके अंदर भी देखो दो अलग अलग तरीके के व्हील्स मिलते हैं, एक तो प्लास्टिक के व्हील्स ड्रिफ्ट कराने के लिए, दूसरे हैं रबर वाले व्हील्स रेस कराने के लिए। ठीक है, यहाँ पे ऑलमोस्ट मैंने सभी ड्रिफ्ट कार को बॉक्स के अंदर से निकाल लिया है। ये मेरे पास एक ड्रैगन कार भी है, इसके व्हील्स काफी ज्यादा डिफरेंट होते हैं, इस वजह से जब हम इसको ड्रिफ्ट कराएंगे ना गाइस ये एकदम फिसलती हुई जाती है फ्लोर के ऊपर। अब ये भी एक ड्रिफ्ट कार है, अगर आप इसको सही से देखोगे ना गाइस आपको ये कार बिल्कुल एक सुप्रा MK3
टीवी जैसी ही दिखाई देगी। ये इसके हेडलाइट अंदर भी जा सकते हैं, बाहर भी आ सकते हैं। सामने की तरफ से देखो इसको आप टर्न कराओगे ना, इसके व्हील्स इतने ज्यादा टर्न होने लगते हैं। ये इस ड्रिफ्ट कार का एक बहुत ही यूनिक फीचर है। मैंने आज से पहले इतना ज्यादा टर्न होता हुआ स्टीयरिंग दूसरी कार के अंदर बिल्कुल भी नहीं देखा है। अब ये जो ड्रिफ्ट कार है सबसे ज्यादा सस्ती है और इसका लुक तो देखो गाइस बिल्कुल ऑडी RS8 जैसा ही दिखाई दे रहा है। ये कंप्लीटली एक रिमोट से चलने वाली कार है। इसका प्राइस पता है सिर्फ 500 रुपीज है। इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अमेज़न से आप चाहे तो इसे खरीद सकते हो। ऊपर की तरफ इसके अंदर भी काफी बड़ा सा स्पॉइलर दिया गया है। साइड से इसका लुक देखो, सामने से इसका लुक देखो, भाई क्या ही खतरनाक डिजाइन है यार इसका। तो चलो दोस्तों अभी इन सभी को करते हैं टेस्ट, देखते हैं आज की टेस्ट में कौन सी कार सबसे स्पीड चलती है और कौन सी कार सबसे बढ़िया तरीके से ड्रिफ्ट करती है। लेट्स गो। आज इन सभी ड्रिफ्ट कार्स को मैं पहले इंडोर में टेस्ट करने वाला हूँ। मेरे पास छोटी ड्रिफ्ट कार से लेके बड़े साइज की भी ड्रिफ्ट कार है, जैसे कि आप देख सकते हो ये MPV ड्रिफ्ट कार सब में ज्यादा बड़े साइज की है। तो चलो पहले मैं हरिकेन ड्रिफ्ट कार की लाइट्स आपको दिखा देता हूँ। मेरे को इसकी लाइट्स काफी ज्यादा कमाल की लगी थी। यहाँ पे जैसे जैसे मैं चैनल 3 का स्विच प्रेस कर रहा हूँ इसके अंदर देख रहे हो कितने ज्यादा पैटर्न चेंज हो रहे हैं। यहाँ पे स्टीयरिंग में टर्न कर रहा हूँ तो साथ में इसका इंडिकेटर भी काम करता है, और तो और इसके अंदर DRL लाइट्स भी दी गई है रेड कलर में, क्या ही खतरनाक दिखाई दे रही है। पीछे की टेल लाइट भी इसकी प्रॉपर तरीके से काम कर रही है। चलो एक बार इसको चला के भी दिखा देता हूँ। नाइट में तो भाई अब मैं इसको चला रहा था ये कार बहुत ज्यादा अमेजिंग दिखाई दे रही थी। अब मैं इसके साथ ड्रिफ्टिंग कराने की कोशिश करूंगा। यहाँ पे मैंने इसको हाई स्पीड में रख दिया था, इस वजह से कार बहुत ज्यादा गोल गोल घूमे जा रही थी। अगर मैं इसको पकड़ने की भी कोशिश करूंगा ना मेरे हाथ को चोट लग सकती है यार, इतनी तेजी से घूम रही थी। एक काम करते हैं अब इसको लो स्पीड में रख के ड्रिफ्ट कराने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे जैसे मैंने इसको लो स्पीड में रखा है आप देखो गाइस कितने स्मूथली ये ड्रिफ्ट कर रही है। अरे यार मैंने तो बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि लो स्पीड में ये कार इतने अच्छे तरीके से ड्रिफ्टिंग करेगी। यहाँ पे मैं ये कार को बहुत अच्छे तरीके से कंट्रोल भी कर पा रहा हूँ। आप देख सकते हो मैं कार को जिस तरफ टर्न कर रहा हूँ इसका इंडिकेटर काम भी करने लग रहा है। देखो किस तरीके से स्लाइड करती हुई फ्लोर के ऊपर ये कार ड्रिफ्ट कर रही है। मजा आ गया गाइस इसको ड्रिफ्ट टेस्ट करा के। सामने का व्हील्स बहुत ज्यादा टर्न हो रहा है, इस वजह से लो स्पीड में अगर आप इसको ड्रिफ्ट कराओगे ना बहुत अच्छे तरीके से ड्रिफ्ट करेगी और आपको बहुत ज्यादा मजा भी आएगा। अब मैं MPV ड्रिफ्ट कार को टेस्ट करने वाला हूँ। इसके अंदर मैंने हाई स्पीड लगा दिया है, देखते हैं ये हाई स्पीड में कितनी अच्छी तरीके से ड्रिफ्ट कर पाएगी। मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था गाइस ये कार इतनी मस्त तरीके से ड्रिफ्ट करेगी, क्योंकि पिछली बार जब मैंने इसको चलाया था तो वहां पे मैंने इसको रोड के ऊपर टेस्ट किया था। अब देखो यार इसको मैं एकदम सपाट फ्लोर के ऊपर टेस्ट कर रहा हूँ, बहुत ज्यादा मजा आ रहा है इसको ड्रिफ्टिंग कराने में। दोस्तों अब मैं कस्टम क्लासिक ड्रिफ्ट कार को टेस्ट करने वाला हूँ। यहाँ पे अभी मैंने इसको मीडियम स्पीड पे रखा है। ओ माय गॉड ये कार तो मीडियम स्पीड पे भी काफी अच्छे तरीके से ड्रिफ्ट कर रही है, पर मैं इसको बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। ये कार बहुत ज्यादा अनकंट्रोल हो रही है। यहाँ पे देखो गाइस इसने अब घूमना चालू कर दिया है अपनी हरिकेन कार के जैसे ही। ये कार इतनी ज्यादा तेजी से घूम रही है। बाकी अब मैंने इसको लो स्पीड में कर दिया है। अब देखो जैसे मैंने लो स्पीड में करा है ये प्रॉपर तरीके से ड्रिफ्ट करना चालू कर चुकी है। अब आ चुकी है ड्रैगन ड्रिफ्ट कार, इसके साथ ड्रिफ्टिंग करा के देखते हैं। ये कार साइड बाय साइड भी ड्रिफ्ट कर सकती है क्योंकि इसके अंदर मैग्नम यूनिवर्सल व्हील्स लगाए गए हैं। मैं इसको देखो यार क्रॉस पोजीशन में भी ड्रिफ्ट करा सकता हूँ। ये कार इतनी ज्यादा मस्त है, पर इसकी स्पीड थोड़ी सी कम है गाइस दूसरी ड्रिफ्ट कार्स के मुकाबले में। अब सुपरा MK2 को मैं चलाने वाला हूँ गाइस। देख रहे हो इसकी लाइट्स इस तरीके से अंदर भी जा सकती है, एक बटन दबाने पे इस तरीके से ओपन भी हो जाती है। ये कार सिर्फ 2-व्हील ड्राइव है फिर भी देखो गाइस इतनी अच्छे तरीके से ड्रिफ्ट कर सकती है कि भाई अगर आप इसको एक बार देख लो ना आपको लगेगा कि यहाँ पे कोई रियल कार के साथ मैं ड्रिफ्टिंग करा रहा हूँ। सामने के व्हील्स कम्प्लीटली 50 डिग्री के एंगल पे टर्न होते हैं। अब ये सबसे सस्ती ड्रिफ्ट कार को मैं टेस्ट करने वाला हूँ। मेरे को लगा था कि ये ड्रिफ्ट करेगी, पर गाइस देख रहे हो बिल्कुल भी ड्रिफ्ट नहीं कर पा रही है। जब मैं ब्रेक लगा रहा हूँ तो ये थोड़ा सा 360 डिग्री घूम रही है। बाकी ये सस्ती होने के कारण मेरे को नहीं लगता प्रॉपर तरीके से ड्रिफ्ट कर पाएगी। अब कस्टम क्लासिक और हरिकेन कार के बीच में रेस कराते हैं, देखते हैं कौन अच्छे तरीके से ड्रिफ्ट करके ये रेस को जीत पाएगा। क्लियरली यहाँ पे आप देख सकते हो हरिकेन ड्रिफ्ट कार काफी अच्छे तरीके से ड्रिफ्ट भी कर रही है और इसकी स्पीड बिल्कुल भी कम नहीं हो रही है ड्रिफ्ट करते समय। क्लियरली यहाँ पे हरिकेन ड्रिफ्ट कार जीत चुकी है रेस। अब रेस होगी सुपरा MK2 वर्सेस हरिकेन ड्रिफ्ट कार के बीच में, देखते हैं इन दोनों में से कौन जीतता है। सुपरा MK2 बहुत अच्छे तरीके से ड्रिफ्ट कर सकती है, पर इसकी स्पीड थोड़ी सी कम हो जाती है ड्रिफ्ट करते समय, इसी बात का फायदा उठाकर क्लियरली यहाँ पर हरिकेन ड्रिफ्ट कार जीत चुकी है रेस को वापस से। अब मैं ड्रिफ्ट टेस्ट कराने वाला हूँ हरिकेन ड्रिफ्ट कार वर्सेस MPV ड्रिफ्ट कार के बीच में, देखते हैं इन दोनों में से कौन जीतता है। क्लियरली यहाँ पे भी हरिकेन ड्रिफ्ट कार बहुत आसानी से जीत चुकी है क्योंकि MPV ड्रिफ्ट कार का वजन ज्यादा होने के कारण इसकी स्पीड ज्यादा नहीं बढ़ पा रही है गाइस।
अब आमने सामने वाली फाइट होगी हरिकेन ड्रिफ्ट कार वर्सेस एमपीवी ड्रिफ्ट कार के बीच में। भाई साहब टक्कर देख रहे हो कितनी ज्यादा खतरनाक थी दोनों के बीच में। यहाँ पे हरिकेन कार ने पीछे ढकेलना चालू कर दिया एमपीवी ड्रिफ्ट कार को। हरिकेन ड्रिफ्ट कार ने तो यार इसको काफी आसानी से हरा दिया है पुशबैक में। अब हो गई आमने सामने वाली फाइट ये दो बहुत ही खतरनाक सी कार्स के बीच में। देखते हैं दोनों में से कौन है सबसे ज्यादा पावरफुल। मेरे को लगा था कि दोनों के बीच में टाई हो जाएगा क्योंकि ये ड्रैगन ड्रिफ्ट कार बहुत ही ज्यादा खतरनाक थी, पर यहाँ पे भी हरिकेन ड्रिफ्ट कार ने इसको पीछे ढकेल के रख दिया है। अब होगी ये सबसे ज्यादा सुपर फास्ट ड्रिफ्ट कार्स के बीच में फाइट। देखते हैं इन दोनों में से कौन है सबसे ज्यादा पावरफुल। जैसे ही टक्कर हुई है हरिकेन ड्रिफ्ट कार थोड़ा सा पीछे हट गई है। ओ माय गॉड गेम यहाँ पे चेंज हो चुकी है। क्लासिक ड्रिफ्ट कार बहुत ज्यादा पावरफुल है, इसने तो यार मेरी रिंग लाइट को ही तोड़ के रख दिया है, साथ में हरिकेन ड्रिफ्ट कार को ही पीछे ढकेल के रख दिया है। बहुत ही ज्यादा अनएक्सपेक्टेड लड़ाई थी गाइस ये तो। अब देखते हैं कौन सी कार की हेडलाइट सबसे ज्यादा तगड़ी है। जब मैंने इन दोनों कार्स को साइड बाय साइड रख के देखा ना यार, तब मेरे को पता चला कि दोनों के अंदर जो हेडलाइट्स है बिल्कुल सेम टू सेम दी गई है। बाकी मेरे को यहाँ पे सबसे ज्यादा पावरफुल हेडलाइट ये ऑडी ड्रिफ्ट कार की लगी। देखो गाइस यहाँ पे जब मैं इसको चलाने की कोशिश कर रहा था इसके अंदर से इतनी ज्यादा तेज रोशनी निकल रही थी यार, क्या ही बताऊं सबसे ज्यादा पावरफुल लगी। ओके आज मैं देने वाला हूँ 10 लोगों को शाउट आउट। पहला नाम है संदीप, जुनेद, रहमान, गणेश, शरत, अशोक, जाहिद, शाहिद, रियाज, अविनाश। थैंक यू दोस्तों इतने अच्छे कमेंट्स करने के लिए। अगर दोस्तों आपको भी चाहिए शाउट आउट तो इस वीडियो पर कर दीजिए लाइक, नीचे कर दीजिए कमेंट। बाय बाय दोस्तों।